क्रिया की प्रक्रिया होती रहती है। देखिए, देश में सभी धर्म के लोगों का अपना अपना पूजन पाठ करने का अधिकार है, और निश्चित तौर से अगर अजान भी चल रहा है तो हनुमान चालीसा भी चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अजान बनाम हनुमान चालीसा राजनीति में चल पड़ा है अब ये गजब का किस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अभी तक आपने महाराष्ट्र में ही लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा के पाठ की खबरें पढ़ी या सुनी होंगी, देखी होंगी, उस पर सियासतदानों के जहरीले बोल भी सुन रहे होंगे। लेकिन अब इसकी लपटें यूपी तक आ गई हैं। काशी में अजान के वक्त अब लाउड स्पीकर पर जोर जोर से हनुमान चालीसा बजाई जा रही है। इसके लिए घरों की छतों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और पांचों वक्त की अजान के वक्त इन लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाई जा रही है। और इसकी शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन समिति ने की है। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में इस आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर से शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अजान के हर वक्त इसी तरह से लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा को बजाया जाएगा। सुधीर सिंह के मुताबिक उनका मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है, लेकिन इस सौहार्द को बनाए रखने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं ले रखा है, वो ये बात कहते हैं। अब जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, तो इस पर पलटवार भी शुरू हो जाता है, सियासत गर्मा जाती है। मौलाना सैफ अब्बास जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने इसे जबरदस्ती करार दिया। वो कहते हैं कि जबरन शुरू की गई चीजें लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं। तो कोई चीज जो है जिद बहस में शुरू की जाती है, वो ज्यादा देर रुक नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। भाईचारे का जिम्मा सिर्फ हिंदू ने नहीं लिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बात बिल्कुल सही है कि भाईचारा किसी एक की तरफ से नहीं है, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। अगर मुसलमान, हमारा यही तो अब तक कहना है कि मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं और आप बता रहे हैं कि हिंदू, आप इसको देखिए कि किस तरीके से अभी रामनवमी के जुलूसों में मुसलमानों ने पूरा सहयोग दिया है और पानी पिलाना और सब चीजें करना, सबील लगाना। तो दोनों तरफ से भाईचारा होगा तभी देश जो है तरक्की कर पाएगा। वही यूपी सरकार के मंत्री तो इस मामले में न्यूटन का लॉ पढ़ाने लग जाते हैं। वो बताते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। मोदी के मंत्री भी गजब का तर्क देकर इसका समर्थन कर जाते हैं। सर, इस समय अजान के समय हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर, इस पर विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बनारस में अजान के समय लाउड स्पीकर से होने लगी है हनुमान चालीसा। अलीगढ़ में भी एबीपी ने कहा है कि अगर हमको हनुमान चालीसा 21 चौराहों पर नहीं पढ़ने देंगे तो हम जो है 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अनुमति मांगेंगे। क्या इसका, क्या सरकार इस पर क्या सोचती है? ऐसा है कि जो भी विसंगत कार्रवाई होगी, जो न्याय संगत कार्रवाई होगी, आज परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, संविधान के हमारे निर्माता हैं, उन्होंने संविधान में जो भी व्यवस्था कर रखी होगी उसी के अनुसार कार्रवाई होगी और सभी जाति वर्ग धर्म सबके साथ न्याय किया जाएगा। सर, वाराणसी में अजान की तर्ज पर अब हनुमान चालीसा का पाठ होना शुरू हो गया है, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, देश में सभी धर्म के लोगों का अपना अपना पूजन पाठ करने का अधिकार है, और निश्चित तौर से अगर अजान भी चल रहा है तो हनुमान चालीसा भी चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही कांग्रेस और सपा ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। हेट स्पीच का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शायद हेट स्पीच का ही स्थान है। बेरोजगारी का कोई स्थान नहीं है, कोई कानून व्यवस्था का स्थान नहीं है, महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी होने का कोई स्थान नहीं है। अब अजान या उसके प्रत्युत्तर में हनुमान चालीसा, अरे भाई, दोनों के लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की ध्वनि सीमा के अंदर रहने चाहिए, चाहे वो किसी के भी धार्मिक लाउड स्पीकर हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। लाउड स्पीकरों की ध्वनि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तय की गई सीमा के अंदर होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है, लेकिन समस्या पैदा करना भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का आज की डेट में काम हो गया है। इसका प्रतिरोध भी होना चाहिए, प्रतिकार भी होना चाहिए और संवैधानिक रूप से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है,
उनको बात ही नहीं करनी है। नींबू 400 रुपए पे जा रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा नहीं करनी है। डीजल पेट्रोल 120 115 रुपए हो गया, इस पे चर्चा नहीं करनी है। आदमी किस तरह से जी रहा है, कैसे आत्महत्या कर रहा है महंगाई से, इस बारे में चर्चा नहीं करनी, क्योंकि जनता को वो जानते हैं ये समाज के असली मुद्दे हैं। इससे ध्यान भटकाने के लिए, आपका भी ध्यान, हमारा ही नहीं पत्रकार महोदय, आपका भी ध्यान भटकाने के लिए, समाज का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। वो चाहते नहीं है महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा हो। तो जिस तरह से सियासी बयान आ रहे हैं उससे तो भाई यही लगता है कि ये मामला अभी आग की तरह बढ़ने वाला है, क्योंकि काशी में इसे शुरू करने वालों ने और भी जिलों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा करवाने की बात कही है। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बीते दिनों अजान को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी। इसके बाद से महाराष्ट्र के कई जगहों पर अजान के दौरान हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में बजाया जाता है, और उस वक्त भी कुछ ऐसे ही बयान बीजेपी नेताओं के आए थे। हमने रिपोर्ट तैयार की है वाराणसी से रोशन, लखनऊ से आशीष, हरदोई से प्रशांत और चंदौली के हमारे सहयोगी की मदद से। इस खबर पर आपका क्या कहना है कि ये लाउड स्पीकर वाला विवाद किस तरह का विवाद है, क्या इसे जानबूझकर भड़काया जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि ये विवाद और आगे बढ़ेगा या कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा? तो इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक .in पढ़ते रहिए।